हाय बच्चों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज जो है हम लोगों का जो अध्याय शुरू हो रहा है, आज उसका हम दूसरा पार्ट आपको दे रहे हैं। और ध्यान दीजिए, अब हम आप लोगों को डेली डेली सुबह सुबह 4 बजे वीडियो जो है पोस्ट कर दिया करेंगे। तो सुबह राम नाम लेते ही तुरंत जो है फिजिक्स केमिस्ट्री पर अटैक करिएगा, वीडियो देख करके तब दूसरा काम करिए, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं। तो कल के आगे के टॉपिक हम पढ़ाते हैं जो है इलेक्ट्रोड विभव। कल आपको अर्धसेल पढ़ाए थे, एनोड बताए थे, कैथोड बताए थे, उसके अंदर सेल बताए थे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो है इलेक्ट्रोड विभव। कल इलेक्ट्रोड की चर्चा हुआ था, आज इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तुम लोग जरूर कर रहे हो। तो कल बताया था इलेक्ट्रोड क्या था, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के, अरे भाई जिंक है तो जिंक सल्फेट में, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन रखते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित हो जाता है या फिर धन आवेशित हो जाता है। तो इस युक्ति को इलेक्ट्रोड कहते हैं। लेकिन आज जो परिभाषा बेटा इलेक्ट्रोड विभव का, उसी में से हम अटैचमेंट उसी में जोड़कर नया परिभाषा बनाते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के, धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित हो जाता है या फिर धन आवेशित। कॉपर रखेंगे तो कॉपर से धन आवेशित होता है बेटा। तो छड़ और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उस विभवांतर को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। पूरी परिभाषा सुन जाए बेटा। तो छड़ और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन बेटा परिभाषा जो हम लोग एग्जाम में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव बेटा कुछ है नहीं, बस मान जोड़ लीजिए बस। जैसे जब किसी शुद्धम शुद्ध माने प्योर हो गया बिल्कुल, जब किसी शुद्ध धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब, मान रहे हैं ना, ताप कितना भी मानना पड़ेगा बेटा 25 डिग्री, और दाब कितना हो 1 वायुमंडलीय दाब पर, और विलयन कोई इधर उधर ना हो, ऐसा विलयन हो उसी के लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले, उसी के लवण के ऐसे विलयन रखे उसी का हो, लेकिन 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन रखते हैं, तो छड़ और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है बेटा, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर सुनिए, जब किसी शुद्ध धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर उसी के लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन रखते हैं, तो छड़ और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में आता है बेटा बहुविकल्पी क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। माने पहला नंबर तो धातु की जो प्रकृति, धातु शुद्ध होना चाहिए, धातु की प्रकृति भी तो प्रभावित करेगा, शुद्ध होना चाहिए, ताप प्रभावित करता है और उसके अलावा वायुमंडलीय दाब भी प्रभावित करता है और विलयन की सांद्रता भी जो है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है। जब प्रभावित करते हैं इसी तो आपका परिभाषा मानक इलेक्ट्रोड विभव है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए क्या कहेंगे बेटा, जब किसी शुद्ध धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 वायुमंडलीय दाब पर उसी के लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन रखते हैं, तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड। अच्छा सुनो, मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। अगर बेटा अगर हम जो है, अच्छा सुनो, सब तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के लिए 0 होता है और लिथियम सबसे ऊपर, लिथियम का जो है सबसे कम होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि जो है सोना का जो है बहुत अधिक धनात्मक होता है। अगर हम इनको जो ये विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, यदि हम विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी बनती है, उस श्रेणी को बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आइए इसको देखते हैं परिभाषा देखते हैं क्या है। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष बताएंगे ऋण आवेशित या धन आवेशित हो जाती है। तो धातु की छड़ और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए मानना पड़ेगा,
जब किसी शुद्ध धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और अरे अब क्या बताएं, ताप और एक वायु दाब पर उसी के लवण के एक मोलर सांता वाले विलयन में रखते हैं तो धातु की क्षण और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझा लीजिए बेटा, फिर से लीजिए बेटा, इसी को मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव और इसे क्या कहते हैं बेटा, मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। इसे वोल्ट मीटर से नापा जाता है और इसका मापक क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। उसके बाद में इसे कैपिलरी से व्यक्त करते हैं। जैसे लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है -3.04 वोल्ट निकाला गया है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया बेटा 0.00 वोल्ट निकाला गया है। गोल्ड का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या था बेटा, +1.50 वोल्ट निकाला गया है। कुछ थोड़ा सा जानकारी के लिए रख लीजिएगा। अब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक एक विकल्प कई बार आया है, करोड़ों बार आया बेटा। पहला नंबर तो धातु शुद्ध होना चाहिए तो धातु की प्रकृति प्रभावित करेगा। ताप कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 25 माने ताप भी प्रभावित करेगा। दाब कितना है, एक वायुमंडलीय है बेटा तो वायुमंडलीय दाब भी प्रभावित करेगा। और विलयन की सांद्रता कितना है बेटा, एक मोलर है, इसलिए जो है विलयन की सांद्रता भी जो है आपका इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड हो या इलेक्ट्रोड हो क्या करता है बेटा, प्रभावित करता है। अब समझिए अगर हम विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी बनेगी उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, लिथियम है, पोटेशियम है, आई से लिखकर दिखाते हैं आप लोगों को। तो इसमें लिथियम सबसे ऊपर होता है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सकारात्मक होता है। और हाइड्रोजन नीचे होता है, सबसे जो धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव होता है बेटा वो नीचे होता है। तो इस प्रकार जो क्रम बनता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अभी लिखकर बताते हैं आप लोगों को, आइए हम विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है बेटा, देखिए आवर्त सारणी में कई तत्व है ना, लेकिन आवर्त सारणी में कई तत्व हैं, लगभग 104 या 113 जो तत्व हैं, लेकिन हम सब नहीं ले रहे हैं, केवल मेन में ले रहे हैं जो कि हम लोगों को प्रयोगशाला में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम जो है लिखवा लेते हैं। तो इसमें मेन तत्व लिए हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होता है उसका मानक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होता है और जो नीचे होता है उसका बेटा धनात्मक होता है। हाइड्रोजन का 0 होता है, तो लिथियम का बेटा बरसात हो रहा है, प्लस दिक्कत हो रहा है, लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव -3.04। फिर पोटेशियम है, बैरियम है, स्ट्रॉन्शियम है, लिथियम एलाइन, पोटेशियम के, बैरियम Ba, स्ट्रॉन्शियम Sr, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, मैग्नीज Mn, जिंक Zn, क्रोमियम का Cr, Fe, आयरन Fe, कैडमियम Cd, कोबाल्ट Co, निकिल Ni, टिन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H2 0.00, कॉपर Cu, HG पारा, HG Ag सिल्वर, Ag प्लेटिनम Pt, Au सोना गोल्ड, इसका प्लस 1.50। तो हमने केवल तीन तत्वों को बेटा आप लोगों को रटने के दिए हैं, क्योंकि सब कितना संख्या आप लोग रटेंगे, बस तीन तत्व का इलेक्ट्रोड जो रट करके उसके बीच अपना समझिए बेटा कि ये ऋणात्मक है, नीचे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ 0 है तो इसके नीचे जो होगा धनात्मक होगा, उसके ऊपर जो होगा बेटा ऋणात्मक होगा। पूरा रटने से कोई मतलब नहीं है। इसका एक हम ट्रिक भी बनाए हैं, उस ट्रिक की सहायता से आप इसको रट सकते हैं। जैसे लीक बासर का नाम आल मर जान सियार फेको निशान ल हां कह चांदी पिटाए सोना,
ये ट्रिक अपना बार बार सुनकर तैयार लेना, या फिर कोई नया ट्रिक मतलब बना करके हमको भेज देना, हम भी थोड़ा देंगे आप लोगों का ट्रिक क्या चलता है, तो रटने में सुविधा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल से आपको याद रहेगा, कोई भी इंटरेस्ट देने जाएंगे तो वहां पर पक्का जो है एक दो क्वेश्चन फोड़ कर आएंगे, पक्का फोड़ेंगे यार। अच्छा, अब इसकी विशेषता क्या है? श्रेणी में जो तत्व ऊपर होता है उसका मानक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऋणात्मक होता है, और हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन व्यू जीरो होता है। हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व है उसका मानक इलेक्ट्रॉन व्यू धनात्मक होता है। जो तत्व ऊपर होता है अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसका माने लिथियम से ज्यादा क्रियाशील है और सोना बेटा बहुत कम क्रियाशील है। उसके बाद में जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो तत्व है, हाइड्रोजन के जो ऊपर तत्व है वह अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। जैसे बेटा देखो, जैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, और अगर हम इसमें जो है H2SO4 में अगर हम ऐसे मान लेते डालते बेटा आपका ये जिंक है, जिंक है तो अगर हम इसमें जिंक डालते हैं तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगाएगा, हाइड्रोजन भाग जाएगा, हटो हाइड्रोजन हटो, बन जाएगा बेटा ZnSO4। ZnSO4 माने यह रिएक्शन संभव है क्योंकि जिंक जो है, जो जिंक है वह हाइड्रोजन के ऊपर है तो इसे विस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन के ऊपर तत्व अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, लेकिन जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो कभी विस्थापित नहीं करते। जैसे जैसे अभी देखो हाइड्रोजन नीचे देखो बेटा ये कॉपर है ना, कॉपर बेचारा आएगा, जैसे मान लीजिए H2SO4 है और यहाँ हम इसको कॉपर डाल रहे हैं, बेटा क्रिया करो, अरे हटा ही नहीं पाए हाइड्रोजन को, नहीं क्रिया करेगा, माने यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो हटेगा ये कभी संभव नहीं है, माने CO4 यह क्रिया संभव नहीं है। तो हमने बताया कि अच्छा हाँ, जो तत्व ऊपर होते हैं ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्व से, उस लवण से जो है ऊपर तत्व नीचे तत्व के लवण से उस तत्व को क्या करते हैं बेटा, विस्थापित करते हैं। और इतने नहीं बेटा, जो पारा और इसके नीचे तत्व के ऑक्साइड को गर्म करने पर, पारा और इसके नीचे तत्व के ऑक्साइड को गर्म करने पर ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं। जैसे अभी लिथियम का ऑक्साइड रहेगा उसको कितना भी गर्म करो बेटा लिथियम ऑक्सीजन को अलग नहीं करेगा, लेकिन जो है पारा CO है अगर उसको हल्का सा गर्म बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पारा के लिए बेटा अलग हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लक्ष्य बता रहे बेटा। और जब हम श्रेणी में ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो अपचायक जो श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है उसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होती है या आक्सीकारक क्षमता कहते बेटा कम होती है, ये इसका क्या है लक्षण, आइए लिखवा देते हैं। आइए आप लोगों को हम परिभाषा लिखवा देते हैं बेटा। तो देखिए क्या है, विद्युत राहित श्रेणी को जब विविध तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो यही तो रासायनिक श्रेणी है ना, तो ये क्या बेटा लिथियम है, पोटेशियम, बैरियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, एयू, ठीक। और हाइड्रोजन तत्वों को हमने आधार तत्व उसको अलग कर दिया, तो इसमें देखिए बेटा हमने बताया कि जो है इसका मानक इलेक्ट्रॉन व्यू कम होता है, इसे क्या बेटा धनात्मक। इसी प्रकार जो है आपका ये हाइड्रोजन तत्व के अलग कर दिए, जो हाइड्रोजन तत्व में कई बार बहुत गलती में पूछा है कि कौन सबसे अधिक अपचायक है, तो ये जो ऊपर है बेटा ये अधिक अपचायक है और जो नीचे बेटा क्या है कम अपचायक है। अच्छा आइए इसका हम लक्षण बताते हैं। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन व्यू क्या होता है, शून्य होता है, पहला लक्षण है। और नंबर एक हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन व्यू बेटा शून्य होता है। और नंबर दो क्या है, जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं उनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक होता है, माने इसके ऊपर जो रहेगा उनका बेटा ऋणात्मक रहेगा। नंबर तीन,
जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक होता है। हाइड्रोजन नीचे क्या बेटा, देखिए धनात्मक है, सब धनात्मक है, पूरी संख्या रखने की जरूरत नहीं है। नंबर चार जो तत्व ऊपर होते हैं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, माने जो ऊपर वाले हैं ज्यादा क्रियाशील है। अगर हम तुमसे पूछे कि लिथियम पोटेशियम कौन ज्यादा क्रियाशील है बेटा, तो लिथियम ज्यादा क्रियाशील है और पोटेशियम क्या बेटा कम होता है, माने तुलना किया जाएगा। और नंबर पांच वनवाई उसी उल्टा, जो ऊपर है अत्यधिक क्रियाशील है और जो तत्व नीचे होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। जहां तुलना करें बेटा, जो ऊपर रहेगा अधिक क्रियाशील, नीचे वाला कहता है कम क्रियाशील। नंबर छह जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। अगर जो है हाइड्रोजन के ऊपर जो तत्व है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित, जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, अब देखो जिंक हम ले रहे हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल में H2 है और यहाँ जिंक कहाँ है, जिंक ऊपर है ना, जिंक ऊपर है, तो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डालते हैं बेटा तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन भाग जाता है, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। अब देखो नंबर सात में क्या बेटा, जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते। अरे भाई जी कमजोर थे, डिवीजन क्या था, रावण से कमजोर था, केवल रिक्वेस्ट करता था तो डिवीजन तो भागना पड़ा। तो यहां पर देखिए जो आगे बढ़ा नंबर सात में, तो कहने का मतलब ये है कि यहां जो है कापर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे है, माने कापर जो है हाइड्रोजन नीचे है, कमजोर है, तो अतः जो है यह अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता। अब देखो नंबर आठ क्या है, नंबर आठ ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्व के लवण से उस तत्व को विस्थापित करते हैं। जैसे ऊपर वाला तत्व क्या बेटा, एफ आई देखो कहीं प्रो का एफ आई है जो एफ आई है वो कापर सल्फेट से, वो एफ आई जो है कापर सल्फेट के विलयन से जो कापर क्या करेगा विस्थापित, चूंकि यहाँ पर एफ आई की क्रियाशीलता कापर से ज्यादा है, ये सक्रिय ज्यादा है कापर कम, अतः कापर को भगा दिया। ये बेटा तो ऊपर तत्व नीचे तत्व के लवण से उस तत्व को विस्थापित कर देते हैं। अब नंबर नौ क्या बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पारा और इसके नीचे के ऑक्साइड को गर्म करने पर आसानी से अपघटित होते हैं। जो ये पारा है सिल्वर है प्लेटिनम है एयू है, अगर हम इसके ऑक्साइड को गर्म कर देंगे तो आसानी से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। और नंबर दस क्या बेटा, जो तत्व ऊपर होते हैं वह अत्यधिक अपचायक होते हैं या कम ऑक्सीकारक, माने जो ऊपर है वो अत्यधिक अपचायक होते हैं और या फिर अत्यधिक अपचायक होंगे या कम ऑक्सीकारक होंगे। तो इसी प्रकार ये हाइड्रोजन तत्व के लिए भविष्यकल्प में करोड़ों बार आया है कि हाइड्रोजन तत्व में कौन अत्यधिक अपचायक है, तो ध्यान दें बेटा आयोडीन क्या होता है अत्यधिक अपचायक होता है, अत्यधिक अपचायक, जबकि फ्लोरीन क्या होता है बेटा कम अपचायक होता है। ठीक है बेस्ट, आप लोग इसको तैयार करिएगा, कल इसके आगे बताएंगे।